हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप देख रहे हैं बिट्स फॉर बायोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जो चैप्टर है एनिमल किंगडम एनसीईआरटी क्लास 11 यूनिट फर्स्ट का फोर्थ चैप्टर है। ये एनसीईआरटी में ये दे रखा है, पेज नंबर 46 to 62 में ये दे रखा है। जहां तक नीट में वेटेज की बात है तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट के हिसाब से। बहुत ही छोटी चैप्टर है ये। अगर इसको ट्रिक के अकॉर्डिंग पढ़ें, अगर इसको कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे पढ़ें, अगर याद करने लग गए तो इससे टफ चैप्टर कोई भी नहीं है। नीट 2018 में जहां तक क्वेश्चन की बात है तो 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए, 17 में 2, 16 में 1, 15 में 4, 14 में 4, 13 में 5। तो ओवरऑल अगर वेटेज की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो ये वेटेज के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एनिमल किंगडम या एनिमल डाइवर्सिटी के भी नाम से जानते हैं। जहां तक लेसन्स की बात है, टॉपिक्स जो इसमें मैं कवर करूंगा वो एनसीईआरटी के ही टॉपिक्स होंगे। तो पहली जो पार्ट होगी जिस आज डिस्कशन करेंगे उसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम देखेंगे और टर्म्स, उससे रिलेटेड कुछ कुछ जो टर्म्स आएंगे वो देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे पोरीफेरा से लेकर एस्कलमेंथिस तक, मींस इसमें पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लैटिहेलमिंथिस और एस्कलमेंथिस तक का होगा। नेक्स्ट है एनालिडा से हेमिकोडेटा तक का, एनालिडा, फिर आएगा इसमें आर्थ्रोपोडा, देन मलस्का, इकैनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, देन फाइलम कॉर्डेटा को हम पढ़ेंगे। इसके इंट्रोडक्शन, इसके अंदर में प्रोटोकॉर्डेट्स वगैरह जो आते हैं उनके बारे में, नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे। नेक्स्ट है वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा में साइक्लोस्टोमेटा, ओस्टिसाइज और बीच में कॉन्ड्रिसाइज आएगा। नेक्स्ट हमारा है वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा में हम एम्फीबियन से लेकर मैमल्स तक पढ़ेंगे जो भी आता है। तो टोटल 6 पार्ट इसके बने हैं। इस चैप्टर के कुछ खास बात, इसमें एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल वही याद करने हैं जो मैं इस लेशन में बताऊंगा, क्योंकि वो वही एग्जाम्पल होंगे जो न्यू एनसीईआरटी में दे रखा है और जो ओल्ड एनसीईआरटी 2005-06 वाले, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। तो मैं एग्जाम्पल जो इसमें बताऊंगा लेशन में आपको वही याद रखने हैं। जहां तक डायग्राम्स की बात है तो डायग्राम्स तो 2013 के बाद आए नहीं है, लेकिन डायग्राम जरूर एक बार देख लेंगे। एग्जाम्पल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन डायग्राम्स, ये आप याद रखें। एग्जाम्पल अगर आपको याद है तभी इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाले। तो भरोसा रखिए दिस बिट्स फॉर बायोलॉजी पे सब कुछ आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नीट में 300 प्लस स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा टॉपिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के पहले हम कुछ जो नॉन कॉर्डेट्स या कॉर्डेट्स वगैरह की जो चर्चा करेंगे उनमें फाइलम आपके सीरियल वाइज ये याद होने चाहिए। पहला है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटिहेलमिंथिस, एस्कलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मलस्का, इकैनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा। ये आगे नॉन कॉर्डेट्स के फाइलम, नॉन कॉर्डेट्स के, और इधर मैंने लिख रखे हैं कॉर्डेट्स के। कॉर्डेट्स में यूरोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स, वर्टेब्रेट, साइक्लोस्टोमेटा, ये अगनाथा में आता है और बाकी ये पूरे आएंगे गनाथा में। मीन्स इसको आप परम से याद रख सकते हो, PARAM, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स। इसको आप कैसे याद रखोगे, जो हेलमेंथिस हेलमेंथिस है दोनों एक जगह है, दोनों साथ में यहाँ पर हैं, और यहाँ पे फेरा, फोरा, टेरेटा एक साथ हैं, यहाँ पर एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एक साथ हैं, यहाँ पर लास्ट में एटा, एटा साथ में है। तो ये आपको याद रखना है सिक्वेंस में। अगर आप सिक्वेंस में याद है तो बहुत चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, जल्दी याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट अगर स्टार्ट करें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कुछ बेसिक्स हैं। जैसे पहला जो बेसिक है वो है लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम एनसीईआरटी के 46 टू 48 की बात कर रहे हैं। पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप तो ये जानते हैं जितने भी एनिमल्स होते हैं सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, खास बात, पहली बात ये। दूसरी बात, इनमें सेल वॉल नहीं होता। सेल वॉल के भी बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल इनमें से उठाकर दे दिया जाएगा, पूछेंगे इनमें सेल वॉल है, यूप्लेक्टेला में सेल वॉल है, तो ये तो एनिमल किंगडम में आता है, इसमें सेल वॉल तो होते ही नहीं एनिमल्स में। पहली बात लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम्पल खास हैं इसलिए मैं सबके एग्जाम्पल पे ही ज्यादा फोकस करूंगा। पहला है सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल क्या होती है, सेल एग्रीगेट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं लूज फॉर्म में। तो सबकी अपने अपने डिवीजन ऑफ लेवर हैं एमंग सेल्स के बीच, तो इनमें टिश्यू होता नहीं। तो सेलुलर लेवल पे पोरीफेरा याद रखना है, टिश्यू लेवल पे सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ऑर्गेन लेवल पे प्लैटिहेलमिंथिस और ऑर्गेन सिस्टम लेवल पे सारे आ जाएंगे एस्कलमेंथिस से लेकर कॉर्डेटा तक के। तो ये आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये हमारा ऑर्गेन लेवल। ऑर्गेन लेवल स्टार्ट हुई है प्लैटिहेलमिंथिस से और ऑर्गेन सिस्टम स्टार्ट हुआ है एस्कलमेंथिस से। नेक्स्ट अगर हम आगे देखें सिमेट्री, सिमेट्री मीन्स होता है किस शेप में हम उसे कट कर रहे हैं। तो पहली सिमेट्री जो हम पढ़ते हैं वो होती है ए सिमेट्री।
एसिमेट्री को बोलते हैं इरेगुलर बॉडी फॉर्म। जितने भी इसके अंदर आएंगे सारे इरेगुलर आएंगे, क्योंकि जब प्लेन कोई पास होती है सेंटर से तो एनिमल के बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में वो डिवाइड नहीं कर पाती, तो इसलिए हमने नाम बोला एसिमेट्री। ए बायो में निगेटिव सेंस के लिए ही आता है। तो इसमें एग्जाम्पल आते हैं ज्यादातर स्पंज, जितने भी स्पंज हैं जो इरेगुलर शेप के हैं वो इसके एग्जाम्पल होंगे। एक्सेप्शन है साइकॉन और ल्यूकोसेलोनिया। मीन्स स्पंज में आते हुए भी ये एसिमेट्री है, तो खास इसलिए है ये। साइकॉन स्काइफा इसका नाम है, ल्यूकोसेलोनिया जो कि व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट स्पंज है ये, पुरानी एनसीईआरटी में था इसलिए मैंने यहाँ लिख रखा है, क्वेश्चन आया हुआ है पहले। नेक्स्ट रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में तीन चीजों को याद रखना है, पहले तो किसी भी प्लेन से उसे काट दें बसरते सेंट्रल एक्सिस से वो पास होना चाहिए बॉडी के। नेक्स्ट है आइडेंटिकल हाफ्स में, दो आइडेंटिकल हाफ्स में वो कट होने चाहिए। एग्जाम्पल आप कैसे याद रखोगे, सीसीई सिलेंट्रेट्स टीनोफोर्स इकैनोडर्मेटा। तो इकैनोडर्मेटा का एडल्ट वाला पार्ट होगा, इकैनोडर्मेटा का लार्वल पार्ट जो होता है वो बायलैटरल सिमेट्री का ही होता है। जैसे वो सेडेंट्री बॉटम पे जाते हैं तो वो हो जाते हैं रेडियल सिमेट्री। तो ये हमारा पार्ट सीसी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे देखें बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री की खास पॉइंट, किसी भी एक प्लेन से वो पास होना चाहिए, आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ्स में वो डिवाइड होने चाहिए बॉडी जो उसकी है। एग्जाम्पल प्लेटीहेलमेंथिस से लेकर कॉर्डेट्स तक सारे आगे बीच में, तो आपको वो सीक्वेंस याद होनी चाहिए कि हाँ प्लेटीहेलमेंथिस के बाद एस्केलमेंथिस। एक चीज और, एस्केलमेंथिस कोई नेमाथेलमेंथिस भी बोलते हैं, तो उसके बाद एनेलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर इकैनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट बात हम करेंगे जर्म लेयर्स के बारे में। जो जर्म लेयर्स होते हैं ये जनरली इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म होते हैं। तो यहाँ पर जर्म लेयर एम्ब्रियोनिक लेयर जो होती है वो इक्टोडर्म और मेसोडर्म होती है। बीच में एक इंटरवेनिंग अनडिफ्रेंशिएटेड मेसोग्लिया प्रेजेंट होती है, मींस अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर, यही डिफ्रेंशिएट फिर आगे कर जाती है मेसोडर्म में। तो डिप्लोब्लास्टिक मींस दो जर्म लेयर होंगे, इक्टो मेसो पोरीफेरा से लेकर टीनोफोरा तक के सारे जो आ गए वो डिप्लोब्लास्टिक में आते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो इसमें तीन लेयर है, नाम से ही लग रहा है ना डाई और यहाँ ट्राई, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक तीन लेयर होंगे, तो इसमें आ गया प्लेटीहेलमेंथिस से लेकर कॉर्डेट तक सारे। ट्रिप्लोब्लास्टिक बार बार क्वेश्चन में ये यूज किया जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक टर्म, डिप्लोब्लास्टिक टर्म, कि इनमें से ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन है। जैसे डायरेक्ट आपसे पूछ दे लोकस्ट क्या है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है क्योंकि वो आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। नेक्स्ट बात करें सिलोम के बारे में। सिलोम जो होती है बॉडी कैविटी होती है। बॉडी कैविटी क्या होता, बॉडी वॉल जो होता और गट वॉल, उसके बीच में जो कैविटी होती है, तो उसका होना या ना होना इसको ही बोलते हैं कैविटी। किसी में हो भी सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं है बॉडी कैविटी तो एसिलोमेट बोल रहे हैं, अगर है तो सिलोमेट बोलेंगे। तो पहले तो देखते हैं एसिलोमेट। तो एसिलोमेट में एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, तो एग्जांपल हो गया प्लेटीहेलमेंथिस। नेक्स्ट बात करें स्यूडोसिलोमेट की। तो स्यूडोसिलोमेट में क्या होता है, ये बॉडी कैविटी में मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं होती, ये खास है। इक्टो और इंडो के बीच में मेसोडर्म होता है तो आप जानते ही हैं, लेकिन लाइनिंग नहीं होती मेसोडर्म की। मेसोडर्म की लाइनिंग के बजाय मेसोडर्म के पाउचेज होते हैं, मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा लास्ट में, मेसोडर्म की पाउचेज होते हैं इक्टो और इंडोडर्म के बीच में। तो ऐसी ही बॉडी कैविटी को हम स्यूडोसिलोम बोलते हैं। एग्जांपल है एस्केलमेंथिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे बात करें सिलोमेट। सिलोमेट में क्या होगा, बॉडी कैविटी प्रेजेंट रहती है, मीन्स इसमें लाइनिंग होगी मेसोडर्म से। एग्जाम्पल है एनेलिड्स से आर्थ्रोकॉर्डेटा तक के सारे। बीच में आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है, एस्केलमेंथिस वाले सारे इंपॉर्टेंट हैं, स्यूडोसिलोमेट वहां है। नेक्स्ट अगर बॉडी प्लान की बात करें, बॉडी प्लान में कुछ टाइप होते हैं, एक तो होता है सेल एग्रीगेट प्लान, एक होता है ब्लाइंड सेक, एक ट्यूब विद इन ट्यूब। सेल एग्रीगेट प्लान आपने देखा है, इसमें सेल्स होंगे, लूज सेल्स एग्रीगेट होंगे, स्पंजो जिसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ब्लाइंड सेक प्लान। ब्लाइंड सेक प्लान में क्या होती है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे ही एक ही ऐसा पाइप है जो कि माउथ का भी काम कर रहा है, एक ही ओपनिंग है जो माउथ का भी काम कर रहा है और एनस का भी काम कर रहा है, तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। नेक्स्ट अगर ये बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे है कि आप देख रहे हो कि एक तो यहाँ पे माउथ है, ये सेपरेट ओपनिंग है, और यहाँ पे एनस है, दोनों सेपरेट ओपनिंग है। तो ऐसे एनिमल्स के कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं, तो इनको बोलते हैं कंप्लीट। तो ट्यूब विद इन ट्यूब का एग्जांपल है एस्केलमेंथिस से लेकर कॉर्डेट्स तक, और ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है सिलेंट्रेट्स से लेकर प्लेटीहेलमेंथिस तक। सीक्वेंस आप याद रखेंगे वो तभी आपका एग्जांपल क्लियर हो पाएगा, जितने भी फाइला हैं वो। नेक्स्ट सेगमेंटेशन की अगर बात करें, तो सेगमेंटेशन क्या होता है,
बॉडी में एक्सटर्नली और इंटरनली, ये दोनों चीज आप गौर पे करेंगे। एक तो एक्सटर्नली चाहे इंटरनली इसमें सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये रेपिटेटिव सीरियल रेपिटेशन होता है इनका एटलीस्ट सम ऑर्गन्स पे, तो इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन जो होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामेरिज्म। ऐसे तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन हो गया, जितने भी वहां पर सेगमेंट्स हुए सबको मेटामर्स बोलेंगे और उस फेनोमेनन को बोलते हैं मेटामेरिज्म। जनरली ये एनालिट्स में तो आप जानते ही हैं, आर्थ्रोपोड्स में भी होता है और कॉर्डेट्स में भी होता है। लोग भूल जाते हैं कि कॉर्डेट्स में नहीं होता, कॉर्डेट्स में भी सेगमेंटेशन है। तो एनालिट्स में तो होता ही जानते हैं आप, आर्थ्रोपोड्स में भी और कॉर्डेट्स में भी। आगे अगर देखें नोटोकॉर्ड के बारे में, नोटोकॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो नोटोकॉर्ड क्या होता है, एक मेसोडर्मल ओरिजिन, तीन लेयर है तो तीन लेयर में से ये मेसोडर्मल ओरिजिन का है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, हमारे डॉर्सल साइड पे ये होता है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है किसी भी एनिमल का तो उस टाइम की बात है ये नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड जिनमें एब्सेंट होगा तो उनको बोलेंगे नॉन कॉर्डेट, नाम से ही लग रहा है ना ये कॉर्ड है तो नोटोकॉर्ड का ही एक कॉर्ड है। तो जिनमें नहीं है नोटोकॉर्ड तो उसको बोलेंगे नॉन कॉर्डेट, जैसे प्रीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक का कॉर्डेट्स, जिनमें है नोटोकॉर्ड तो कॉर्डेटा हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम की जहां तक बात है, ओपन टाइप भी होता है और क्लोज टाइप भी होता है। ओपन टाइप में क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज इसमें एब्सेंट होंगे। ब्लड कैपिलरीज एब्सेंट होंगे तो जो ब्लड की पंपिंग है तो वो सेल और टिश्यू वगैरह जो होते हैं उसमें डायरेक्टली बास्ड होते हैं, तो पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट, ठीक है। और जहां तक क्लोज टाइप की बात है तो इसमें अच्छे वेसल्स होते हैं, सीरीज ऑफ वेसल्स होते हैं डिफरेंट डायमीटर के, इसमें आर्टरीज होगा, वेन्स होगा, कैपिलरीज होगा। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन टाइप में आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स और हेमिकॉर्डेट्स, क्लोज टाइप में एनालिट्स, सेफेलोपॉड मोलस्क, मैंने मोलस्क यहां पे भी लिखा है लेकिन जो मोलस्क की क्लास है सेफेलोपॉड उसमें होता है क्लोज टाइप, सी फॉर क्लोज, सी फॉर सेफेलोपॉड। नेक्स्ट है वर्टिब्रेट्स, हमारे में जैसे क्लोज टाइप ही होता है, तो ये आप याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन टाइप क्लोज टाइप बच्चे भूल जाते हैं इसे, तो याद रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट दो तरह से, एक तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में बात होती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं, तो वहां यंग वंस जो होते हैं, जो बच्चे पैदा लेते हैं वो एडल्ट से मिलते जुलते होते हैं, वो देखने में मिलते जुलते होते हैं, साइज में डिफरेंस होती है, तो रिजेंबल करते हैं। एग्जाम्पल है बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स और फिशेस। आप कैसे इसको याद करोगे, तो बीमारी में बी आई तो हो गया बर्ड्स, एम ए मैमल्स, आर ई रेप्टाइल्स और एम ई तो ऐसे ही है, डायरेक्ट फिशेस, तो ये सब करेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट, फिशेस आ गया लास्ट का, तो बीमारी में डायरेक्ट फिशेस खाएंगे, तो ये आप ट्रिक बना सकते हो। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट, इसमें लार्वल स्टेजेस होंगे, तो लार्वल स्टेज आपको इनमें देखने को मिलेगा, पोरिफेरा, टिनोफोरा, प्लैटेलमेंथिस, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और एम्फीबियंस वगैरह में। नेक्स्ट आगे बात करें, आगे है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है। फर्टिलाइजेशन अगर बाहर हो रहा है तो वाटर में ही होगा, इंटरनल हो रहा है तो मदर के बॉडी में होगा। तो पहली बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, ओस्टिथाइज और एम्फीबिया। इसको आप कैसे याद रखोगे, टीनो, इकाइनो, हेमी, ओशामा, जो ओशामा बिन लादेन तो वहां पर ट्रिक है, टीनो, इकाइनो, हेमी, ओशामा, टीनो, इकाइनो, हेमी, ओशामा, बार बार बोलोगे याद हो जाएगा। तो ये बाहर के थे, ओशामा बाहर का था, तो ये आप याद रखोगे, और जो भी बच गए वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो ये आप ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट है विविपैरस, कुछ कुछ टर्म है, तो विविपैरस में क्या होता है, जो यंग वंस होते हैं वो मदर के बॉडी में डेवलप होते हैं, वहां से इन्हें फूड मिलती है प्लेसेंटा के थ्रू। तो इसके एग्जाम्पल है मैमल्स और कॉन्ड्रिसथाइज, आप एमसी से याद रखोगे कि विविपैरस की एग्जाम्पल है। एक्सेप्शन है प्लैटिपस जो कि ओविपैरस होता है, जिसका नाम आप जानते हैं साइंटिफिक नेम ऑर्निथोरिंकस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीट के लिए, इतनी बार आई एग्जाम में आप पूछो मत, प्लैटिपस जो कि ओविपैरस होता है। नेक्स्ट है ओविपैरस जिससे एग मिलते हैं, डायरेक्ट एक का ही डेवलपमेंट होता है, तो ये आर्थ्रोपोड्स में, रेप्टाइल्स में और ओस्टिथाइज में। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ सालों से इसका चलता ही आ रहा है इस टाइप का क्वेश्चन, एक्सक्लूसिवली मेराइन पूछते हैं कि 100% मेराइन कौन है, चार ऑर्गेनिज्म का वो नाम देंगे, तो जिनमें कि टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉन्ड्रिसथाइज और प्रोटोकॉर्डेट्स, ये जो पांचों होते हैं एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। जैसे प्रोटोकॉर्डेट का कोई मेंबर दे दिया या इकाइनोडर्मेटा का कोई मेंबर दे दिया, वो एक्सक्लूसिवली मेराइन है या नहीं, तो बिल्कुल एक्सक्लूसिवली का मतलब ही होता है 100% मेराइन। नेक्स्ट अगर डायग्राम की बात करें, तो डायग्राम में मैंने आपको बताया था रेडियल सिमेट्री, ये रहा आपका एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। नेक्स्ट हम बात करें बायलेटरल सिमेट्री, तो बायलेटरल सिमेट्री में हमने बात की थी लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट और राइट आपको मिल गया ये, तो ये बायलेटरल सिमेट्री है। नेक्स्ट अगर बात करें
ये डिप्लोब्लास्टिक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक में मेजोग्लिया होगा जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड, वही डिफ्रेंशिएट हो जाती है मेजोडर्म में। नेक्स्ट अगर ये बात करें हम, ये आपका रहा, तो जो पहली डायग्राम ये बनी हुई है यहाँ पे वो सिलोमेट है। सिलोमेट के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्यूडोसिलोमेट है। ये स्यूडोसिलोमेट में मैंने क्या बताया था कि यहाँ मेजोडर्म के पाउचेज आपको देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे लास्ट में आपका एसिलोमेट है जिनमें कोई भी सिलोमा आप यहाँ पे नहीं देख रहे हो। तो ये हमारा डायग्राम रहा एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी के डायग्राम के नीचे एक चार्ट बनी हुई है, बहुत खूबसूरत सी ये चार्ट है। इसमें करेक्शन हुई है, इस बार कुछ चीजें ऐड की गई हैं। तो पहली चीज मैं बताऊं कि किंगडम दे रखा है एनिमेलिया हम पढ़ रहे हैं जो कि मल्टी सेलुलर है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा सेलुलर टिश्यू ऑर्गेन ऑर्गेन सिस्टम है। सिमेट्री एसिमेट्री रेडियल बायलेटरल वगैरह दे रखा है। बॉडी कैविटी तो एसिलोमेट या कुछ भी। तो आप देखोगे जब ये तो पूरी चार्ट में ही कवर हो जाएगा सब कुछ। तो पहली चीज जो करेक्शन की गई वो मोस्टली एसिमेट्रिकल एसिलोमेट इस टर्म को यहाँ पे ऐड किया गया। पहले वाली एनसीईआरटी में ये नहीं था। और अगर आगे देखें तो ये तो आप जानते ही हैं कि जो इकाइनोडर्मेटा होता है वो तो चाहे रेडियल भी कर सकता है या बायलेटरल कर सकता है, उसके स्टेज पे डिपेंड करता है। तो मैंने क्या बताया, जो उसके बच्चे होंगे जो लार्वा होगा उसका वो बायलेटरल ही होता है, लेकिन आगे चलकर एडल्ट जब होता है वो तो वो रेडियल सिमेट्री का हो जाता है। ट्रिक है सी सी ई, ये आपका रेडियल सिमेट्री का। तो जहां तक इसकी बात है ये दो करेक्शन हुए हैं तो ये आप याद रखेंगे। और जहां तक सिलोमेट है तो मैंने बता ही रखा है एग्जाम्पल, स्यूडोसिलोमेट बहुत ही खास एस्केलमेंथिस, एसिलोमेट प्लेटिहेलमेंथिस में है ही जहां से ऑर्गेन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट अगर बात करें एसिलोमेट तो एसिलोमेट है ही ये दोनों, तो रेडियल ये हो गया। बायलेटरल तो बायलेटरल का ही पार्ट है, ठीक है। बायलेटरल आपका स्टार्ट कहां से हुआ था, तो प्लेटिहेलमेंथिस से। तो ये पूरा हमारा कवर हुआ, ये हमारा पार्ट पूरा का पूरा। तो ये हमारा एनिमल किंगडम का फर्स्ट पार्ट, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और कुछ टर्म्स थे उसको मैंने यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे पोरीफेरा फाइलम से लेकर एस्केलमेंथिस फाइलम तक के बारे में, जो उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स हम उनको देखेंगे। ये सब आप जरूर याद रखोगे तभी वो चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Thank you for watching this video. Have a nice day.